बिहार के राजधानी पटना में जनसेवक पद में समायोजन की मांग को लेकर किसान सलाहकारों ने ब्लॉक चौराहे के पास प्रदर्शन किया। इस मौके पर पटना के आर ब्लॉक चौराहे के पास पुलिस बल की भारी तैनाती की गई ताकि प्रदर्शनकारी आगे न बढ़ सके। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए प्रदर्शनकारियों से बातचीत की पटना से सहयोगी अमित वर्मा ने। हम अभी पटना के आर ब्लॉक चौराहे के पास खड़े हैं और कृषि विभाग के सलाहकार जो है जनसेवक पद में समायोजन की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं काफ़ी भारी संख्या में जो कृषि सलाहकार हैं यहां पर उपस्थित है और भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और इन लोग की मांग है कि हम लोग का समायोजन किया जाए। इसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं और विधानसभा घिराव करने की निकले हैं और आप देख सकते हैं तस्वीर में भारी संख्या में भीड़ है जो यदि कृषि सलाहकार की और वो जनसेवक पद में समायोजन की मांग करें। क्या मांगे हैं आप? जनसेवक में समायोजन करना हम चाह रहे हैं, मांग है मेरी जनसेवक पद पर। और 13 वर्षों से हम लोग कृषि कार्य कर रहे हैं और गैर कृषि कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता रवैये के कारण हमें रोड पर उतरना पड़ा है। 13 साल में 13,000 रुपया सरकार से कभी आप लोग की बातें हुई है? सरकार कितना बार हम लिखिए लेकिन उनको नज़रअंदाज करते हुए चल रहे हैं। सरकार हम लोग को कोई उचित मैंने मांग किए लेकिन नज़रअंदाज करते हुए जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? हम लोग चाहते हैं कि 2010 से हम लोग का भारी जनसेवा के कमी के वजह से हम लोग का किसान सलाहकार के रूप में जो है सरकार ने हम लोग का चयनित किया और इसको देखते हुए हम लोग 36 प्रकार के काम करते आ रहे हैं मात्र 13,000 रुपये में। 13 साल हो गया 13,000 रुपया में 13,000 आज तक सरकार ने हम लोग का 2014 मंत्र में गया केवल उसका कैबिनेट जो है बाकी रह गया जिसमें सब लोग मंत्री वगैरह के सबका जो है उसमें जो हम लोग का मांग पत्र जो है अनुमोदन है सर और उसके बाद में हम लोग का नहीं किया गया। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को जो आज जो है आर और पार की लड़ाई है हम लोग विधानसभा के घेराव करेंगे और जरूरत पड़े तो आपको हत्या करेंगे आत्मदाह करेंगे। जाहिर है अभी मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के तीसरे दिन जो कृषि सलाहकार है और जनसेवक पद के समायोजन की मांग को लेकर आर ब्लॉक चौराहे के पास है और काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और उनको रोकने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में कृषि सलाहकार का साफ तौर पर कहना है कि 13 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और 13,000 रुपये में खर्च रहे हैं, हम लोग का समायोजन होना चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार इन कृषि सलाहकारों को किस तरह से देखती है। पटना से रफ्तार मीडिया के लिए अमित वर्मा।